विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये जो लेक्चर है, इसमें हम न्यूरॉन्स के कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वही मतलब है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स का, कि कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। देखिए, structurally neurons are classified according to the number of process extending from the cell body. Neurons जो हैं, neuron का जो cell body है जिसे हम soma या तो perkaryon भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो ये जो body है या जो soma है, इसमें से कितने process निकलते हैं उसके आधार पे neuron का classification हम करते हैं। सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं नंबर वन पे, मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बायपोलर के बाद, और उसके बाद फिर जो यूनिपोलर है उसके बारे में हम बात करेंगे, और फिगर वगैरह हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स हैं उसमें सेवरल डेंड्राइड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मल्टीपोलर में। देखिए, हमने जो लेक्चर लिया था, ठीक है, न्यूरॉन्स का, तो उसमें हमने जो सेल का जो स्टडी किया था वो जो मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही स्टडी किया था, ठीक है कि नहीं। तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन हैं इसमें बहुत सारे डेंड्राइट होते हैं, और एक्सॉन जो है वो एक्सॉन एकमात्र होता है। याद रख रहे हैं हम, मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट हैं और एक्सॉन की जो संख्या है वो मात्र एक है। अच्छा, इस प्रकार के जो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें इस प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और एज वेल एज ऑल मोटर न्यूरॉन्स, सारे जो मोटर न्यूरॉन हैं, सारे के सारे मोटर न्यूरॉन वो मल्टीपोलर न्यूरॉन हैं। तो यहाँ पे अब जो फिगर है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपोलर जो न्यूरॉन है वो किस तरह से होता है। अलग अलग फिगर हैं, तो देखिए ये जो फिगर है इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये न्यूरॉन का सेल बॉडी सोमा लिखा हुआ है, और ये आप देखेंगे बहुत सारे इसमें डेंड्राइट हैं, ठीक है, बहुत सारे डेंड्राइट हैं मल्टीपोलर में। और न्यूरॉन जो है, जो न्यूरॉन जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें एक्सॉन जो है, एक्सॉन की जो संख्या है वो एकमात्र होती है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है फिगर, तो आप देखिए ध्यान से, पूरा जो है अच्छे से देखिए, तो देखिए ये है ना, एक्सॉन जो है, एक्सॉन में से कभी कभी क्या जो ब्रांच निकलती है उसको हम एक्सॉन कोलेटरल कहते हैं, और यहाँ पे भी देखिए आप, ठीक है, न्यूरिलेमा, फिर स्वान सेल का न्यूक्लियस, एक्सोप्लाज्म है ना, एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है, फिर एक्सोलेमा, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सॉन की, फिर माइलिन शीट, लिपिड का जो कोटिंग है, कवरिंग है माइलिन शीट, तो ये सारी जो बातें हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे डेंड्राइट है, एक्सॉन की जो संख्या है वो, फिर ट्रिगर जोन है जहाँ से नर्व इम्पल्स जो है उसकी शुरुआत होती है वो ट्रिगर जोन, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, फिर इंटर नोड बताए हैं, है ना, नोड ऑफ रेनवियर, जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है वहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, फिर साइटोस्केलेटन में न्यूरो फाइब्रिल, ठीक है, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल दिखाए हैं, है ना। तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, लेकिन ये किस कौन सा प्रकार का है, तो ये मल्टी पोलर न्यूरॉन है। ये जो फिगर है हम मल्टीपोलर न्यूरॉन की देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट था इसके बारे में हमने बात करी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो है इसमें, ये देखिए, ये जो है मल्टीपोलर न्यूरॉन दिखाए हैं, देखिए आप, ठीक है, एक्सॉन तो एक ही दिख रहे हैं लेकिन डेंड्राइट जो आप देखेंगे वो बहुत सारे हैं मल्टीपोलर
न्यूरॉन्स में। चलिए अब जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में हम जो बाइपोलर न्यूरॉन है उसके बारे में बात करते हैं। बाइपोलर जो न्यूरॉन है उसमें वन मेन डेंड्राइट, एक ही डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। ठीक है, बाइपोलर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये बीच में जो है, तो इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, एक ही डेंड्राइट है, एक ही एक्सॉन है। तो इस प्रकार के जो न्यूरॉन हैं इनको हम बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और पहला वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये बाइपोलर न्यूरॉन। और दूसरा जो फिगर है इसमें भी हम देख लेते हैं, ये वाला जो है इसमें भी आप देखिए। तो बाइपोलर में क्या होता है, डेंड्राइट एक है और एक जो है वो एक्सॉन है, इसलिए इसको बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, एक ही मेन डेंड्राइट है इसलिए। अच्छा, ये जो बाइपोलर जो न्यूरॉन है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये रेटिना ऑफ द आई, फिर इनर ईयर और ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ द ब्रेन। ऑल्फैक्टरी यानी ऑल्फैक्ट मीन्स स्मेल, है ना, जो सुगंध है या बदबू है उसका जो सेंसेशन है, ठीक है, उसको ऑल्फैक्शन कहते हैं बायोलॉजी में। तो ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी एरिया है उसमें ये बाइपोलर जो न्यूरॉन है ये पाए जाते हैं। इसके अलावा रेटिना ऑफ द आई में और जो इनर ईयर है उसमें भी ये बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। तो ये बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में, पहला जो था मल्टीपोलर देखा, ये बाइपोलर। अब जो तीसरा जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं जो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है, हैव डेंड्राइट्स, इनके पास डेंड्राइट तो है और एक्सॉन कितना है, एक ही है। और ये जो डेंड्राइट है और जो एक्सॉन है फ्यूज टुगेदर, डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ के एक ही सिंगल कंटिन्यूस प्रोसेस बनाता है। ठीक है, तो यूनिपोलर में हम देख रहे हैं, देखिए यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये डेंड्राइट है और यहाँ पे एक्सॉन है। ठीक है, तो ये जो जो डेंड्राइट है और ये जो ये रहा, एक मिनट, ये जो है ये डेंड्राइट है और यहाँ पे एक्सॉन है। ठीक है, तो डेंड्राइट और एक्सॉन जुड़ के, डेंड्राइट और एक्सॉन जो है ये जुड़ के एक ही सिंगल प्रोसेस बन रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसको यूनिपोलर कहते हैं। और दूसरा जो है वो भी फिगर देख लेते हैं हम, यहाँ पे भी आप देखिए। ठीक है, तो डेंड्राइट और ये वाला एक्सॉन, डेंड्राइट और एक्सॉन जुड़ के एक ही सिंगल प्रोसेस बनाते हैं। और ये सिंगल प्रोसेस जो है वो आप देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये सिंगल प्रोसेस जो है वो सोमा या तो सेल बॉडी में होके गुजरता है कि नहीं। तो जो यूनिपोलर है उसमें क्या याद रखने का हमको, कि डेंड्राइट और एक्सॉन जुड़ के एक ही सिंगल प्रोसेस बनाता है। और ये प्रोसेस जो है, सिंगल प्रोसेस कहाँ पे जाता है, तो जो सोमा है या तो बॉडी है उसके अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमने ये जो फोर्थ पॉइंट था यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, इसमें हमने बात करी कि यूनिपोलर में क्या होता है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक ही एक्सॉन होते हैं। तो डेंड्राइट और एक्सॉन जुड़ के क्या बनाता है, एक ही कंटिन्यूस प्रोसेस बनाता है। और ये प्रोसेस कहाँ से बाहर आता है, तो हमने देखा अभी सेल बॉडी जो है उसमें से ये बाहर आता है और दोनों साइड पे, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे ये लंबा होता है। ठीक है, लेकिन भले ही हम इनको यूनिपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं, लेकिन इनका जो मोर अप्रोप्रिएट जो नाम है इनका, तो इनके सही मायने में इनका नाम क्या होना चाहिए, सही मायने में इनका नाम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होना चाहिए। क्यों इनका नाम सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन होना चाहिए, क्योंकि देखिए
दे बिगिन इन द एम्ब्रियो एज बायपोलर न्यूरॉन. ठीक है, जो एम्ब्रियो जो है उसमें इनकी शुरुआत कैसे होती है, तो इनकी शुरुआत होती है बायपोलर न्यूरॉन के तौर पे. अच्छा, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, विकास की जो प्रक्रिया है उसके दौरान क्या होता है, जो डेंड्राइट और जो एक्सॉन है वो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या बनाते हैं, एक ही सिंगल प्रोसेस बनाते हैं, ऐसा होता है. ठीक है, इनमें अच्छा देखिए, और जो डेंड्राइट हैं, यूनिपोलर जो न्यूरॉन हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट हैं वो किसके तौर पे काम करते हैं, तो जो सेंसरी रिसेप्टर हैं उनके तौर पे ये डेंड्राइट्स काम करते हैं. तो यहाँ पे फिगर में भी आप देखेंगे यूनिपोलर में ये जो हैं ये किसके तौर पे काम करते हैं, यूनिपोलर में डेंड्राइट, तो वो रिसेप्टर जो हैं सेंसरी रिसेप्टर उसके तौर पे ये काम करते होते हैं. अच्छा, और ये जो डेंड्राइट हैं जो सेंसरी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं वो कौन से सेंसरी स्टिम्यूलस हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, तो देखिए टच, प्रेशर, है ना, टच यानी स्पर्श, प्रेशर यानी दबाव, पेन यानी दर्द, थर्मल स्टिम्यूलाई जो तापमान में जो चेंजेस हैं, इन सभी के बारे में ये जो हैं सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं. अच्छा, और जो ट्रिगर जोन है, ट्रिगर जोन फॉर नर्व इम्पल्स इन अ यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर जो न्यूरॉन है इसमें जहाँ से नर्व इम्पल्स की शुरुआत होती है वो जो विस्तार है वो कौन सा है, तो देखिए जंक्शन ऑफ द डेंड्राइट एंड एक्सॉन, जहाँ पे डेंड्राइट और एक्सॉन एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम ट्रिगर जोन कह सकते हैं, क्योंकि एक्सॉन यहाँ तक आ रहा है और ये डेंड्राइट है, तो ये एक्सॉन और डेंड्राइट जहाँ पे जुड़ते हैं वहीं पे ट्रिगर जोन होता है, और वहीं से फिर नर्व इम्पल्स जो है, यहीं से नर्व इम्पल्स जो है वो यहीं से आगे बढ़ेगा, ये मतलब कर रहे हैं इस पॉइंट का, ट्रिगर जोन का मतलब. ठीक है, अच्छा, और द इम्पल्स देन प्रोपगेट टूवर्ड द साइनेप्टिक एंड बल्ब, तो जो मैंने आपसे बात करी कि जो नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ से, तो ये जो है यहाँ जहाँ पे डेंड्राइट और एक्सॉन जुड़े, ये ट्रिगर जोन, यहाँ से नर्व इम्पल्स स्टार्ट हुआ और यहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो साइनेप्टिक एंड बल्ब होते हैं, तो यहाँ पे ये नर्व इम्पल्स पहुँचेगा वो कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अच्छा, और द सेल बॉडीज ऑफ मोस्ट यूनिपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स हैं उनके जो सेल बॉडी हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो लोकेटेड इन द गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स हैं उनके जो गैंग्लिया हैं उनमें ये यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं. दोनों जो फिगर है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए ये जो है यूनिपोलर न्यूरॉन, और यहाँ पे भी आप देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे, तो आखिरी वाला जो है ये यूनिपोलर न्यूरॉन है. ठीक है, अब जो पाँच नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं हम. अब कई बार क्या होता है कि न्यूरॉन का जो नाम है, ये तो हमने देखा कि जो डेंड्राइट है एक्सॉन है उसके नंबर पे आधार पे हमने नामकरण किया इनका, न्यूरॉन्स का, लेकिन कई बार क्या होता है कि एडिशनल टू द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो डेंड्राइट्स हैं और एक्सॉन हैं उनकी जो संख्या है उनके आधार पे तो हमने इनका क्लासिफिकेशन किया, लेकिन कई बार क्या होता है न्यूरॉन्स जो हैं इनका नामकरण, तो हिस्टोलॉजिस्ट हु फर्स्ट डिस्क्राइब देम और फॉर एन एस्पेक्ट ऑफ देयर शेप और अपीयरेंस, कई बार क्या है कि जो हिस्टोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने जो नर्व सेल जो हैं उनको डिस्क्राइब किया उनके नाम पे, ठीक है, उनके नाम से, जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे एक हिस्टोलॉजिस्ट का नाम है परकिंजे, तो कुछ जो नर्व सेल हैं, तो परकिंजे सेल जो हैं एक्चुअल में परकिंजे जो हैं वो क्या हैं, हिस्टोलॉजिस्ट हैं,
साइंटिस्ट हैं, इनके नाम से कुछ जो न्यूरॉन हैं उनको परकिंजे सेल का नाम दिया गया है। और ये जो परकिंजे सेल जो हैं, आप देखेंगे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सेरेबेलम में पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम फिगर में, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो मिल जाएगा अभी यहीं पे, यहाँ पे देखेंगे आप। तो देखिए ये जो है परकिंजे सेल है, ठीक है। हिस्टोलॉजिस्ट के नाम पे से इनको नाम दिया है परकिंजे सेल। और क्या है कि पिरामिडल सेल, ठीक है, पिरामिडल सेल्स। अच्छा, ये पिरामिडल जो सेल हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें पाए जाते हैं। और इनका जो शेप है, ये सेल को पिरामिडल सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो शेप है वो पिरामिड शेप सेल बॉडी होते हैं, क्योंकि इनका जो सेल बॉडी है वो किस प्रकार का है, पिरामिड शेप का है। तो आप देखेंगे कि ये जो है सेल बॉडी किस प्रकार का है, पिरामिड प्रकार का है, पिरामिड जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पिरामिडल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, पिरामिडल सेल जो हैं वो, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो सारे जो सेल हैं वो आप देख लीजिए, ये जो है, ठीक है, टू एग्जांपल ऑफ सीएनएस न्यूरॉन, यहाँ पे परकिंजे और पिरामिडल सेल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो फिगर है इसमें पूरा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन के बारे में था, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स का, यानी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये अब यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है इससे आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है और आपका जो स्टडी है वो अच्छे से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कुष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।